और प्रदेश का नेतृत्व आप सबसे यह अपेक्षा रखता है कि जो लीड जो जीत आपने लोकसभा चुनाव में प्राप्त की, मित्रों आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि 9 विधानसभा क्षेत्रों में आपके हलके की लीड 63,000 की थी, जो सबसे ज्यादा थी। इसके लिए मेरा कार्यकर्ता यमुनानगर विधानसभा का प्रत्येक मतदाता बधाई का पात्र है और उस लीड को आप कितना आगे बढ़ा पाते हैं ये आपने तय करना है। निश्चित रूप से आप 63,000 से ज्यादा की लीड बढ़ाओगे तो संगठन के नजरों में, प्रदेश नेतृत्व के नजरों में, केंद्र सरकार के नजरों में आप सबका कद बढ़ेगा। और घनश्याम दास एक ऐसा कार्यकर्ता है जो अपने हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना चाहता है, हर कार्यकर्ता को पदाधिकारी बनाकर नेता बनाना चाहता है। जीत की ओर अग्रसर है। मित्रों अग्रसरता को उस जो हमने लीड ली हुई है आगे उसको और मजबूत करने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को जी जान में जुटना होगा। और मेरा कार्यकर्ता पार्टी का कार्यकर्ता मैं बनाया अपने उद्बोधन में कहता हूं इतना क्षमतावान है कि वो पत्थर में से पानी निकल सकता है, आसमान से तारे तोड़ के ला सकता है। और कार्यकर्ता हमेशा सदैव संगठन के लिए पार्टी के लिए काम करते हुए निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ता है। और ऐसे कार्यकर्ताओं की टोली मुझे ऊर्जा देती है, ताकत देती है, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो मेरे कार्यकर्ता मित्रों आज सदन ही टिकट की घोषणा हुई है और उसके पश्चात से प्रत्येक कार्यकर्ता खुशी से भरपूर है, उत्साह से भरपूर है। और ऐसे समय में निश्चित रूप से आप सब घनश्याम दास अरोड़ा हैं, आपने चुनाव लड़ना है, आपने जीतना है। रेस्ट हाउस हो जाती है, एक रेलवे रोड जाती है और एक स्टेशन की हो जाती है। वहां पर हम सब नामांकन भरने के लिए इकट्ठे आएंगे। आज कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर आप सबको उत्साह ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत तय कर दी है। इसलिए मेरे मित्रों माननीय मेयर साहब मदन चौहान जी, जिलाध्यक्ष श्रीमान महेंद्र जी खदरी, हमारे प्रभारी श्रीमान अशोक त्रिवेणी गुप्ता, प्रदेश के सह प्रवक्ता श्रीमान भारतभूषण जी बिहार और उनके साथ मंडलों के सभी पदाधिकारी, शक्तिकेंद्र प्रमुख पालक बीएड प्रमुख कार्यकर्ता मतदाता और सहयोगकर्ता आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, मैंने जिसका नाम ना लिया हो कृपया वो उस बात को छोड़ दे, सबका नाम है।